अभी जनता का प्यार है, देखो जनता जिसको बनाएगी वो विनर है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो गाइस आप लोग अदनान को तो जानती होंगे, जिन्होंने एलविश यादव को, जब एलविश यादव बिग बॉस में थे तब अदनान ने एलविश यादव के बारे में ये कहा था कि एलविश यादव को बिग बॉस के घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो। और एलविश यादव के लिए अदनान एक इंटरव्यू में चूड़ियां भी लेकर के आए थे और कह रहे थे कि एलविश तो कभी भी बिग बॉस जीत नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब एलविश यादव बिग बॉस जीत चुके, तो भाई साहब अदनान के जो बोल हैं, जो अदनान के जो शब्द अब बदल गए हैं और उनका जो रिएक्शन है बदल चुका है। अब यहाँ पर अदनान से एलविश यादव के बारे में पूछा गया कि इंटरव्यू वीडियो में तो अदनान ने क्या कहा, चलिए मैं आप लोग को उनका वो इंटरव्यू वीडियो दिखाता हूँ। मैं उसको जानता नहीं हूँ पर्सनली, और कंट्रोवर्सीज तो होते रहती है। मैंने अपना पीओवी दिया था, देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरी फ्रेंड थी मनीषा मेरी फेवरेट थी, तो बट ऑब्वियसली मैं मनीषा का नाम लूँगा, और सबके अपने अपने फेवरेट होते, तो मैं मेरे हिसाब से मुझे लगा मनीषा डिजर्विंग है, या तो उसके अलावा कोई मेल कंटेस्टेंट। तो अभिषेक की जर्नी बहुत अच्छी रही है फुकरा इंसान की, तो मुझे लग रहा था वो है। अब वो जीत गया तो अच्छी बात है, बस मैं यही दुआ करता हूँ और यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे वो पहले गंद मचाता था एलविश, पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म और हेट फैलाता था, अभी शायद उसको इस मुकाम का फेम मिल गया, तो शायद वो आगे ये सब चीज़ें ना करे। अभी जनता का प्यार है, देखो जनता जिसको बनाएगी वो विनर है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली सबका अपना फेवरेट, जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका है, सबका अपना फेवरेट होता है, तो आपका भी कोई फेवरेट होगा। वैसे मेरा भी ओपिनियन है, मेरा फेवरेट कोई और है, तो इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अदनान ने एलविश यादव के बारे में जो कुछ कहा, इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है, आप लोग अदनान को क्या कहना चाहते हो, आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें।